32. 150 workers were engaged to finish a job in a certain number of days. Four workers dropped out on second day. Four more workers dropped out on third day, and so on. It took 8 more days to finish the work. Find number of days in which work was completed. बच्चों कहा गया है कि यहां एक काम पर 150 वर्कर्स लगाए गए हैं, तो यहां दो केस बनते हैं। एक तो वो केस कि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, फोर वर्कर्स रोज कम होते जाते हैं, एक तो ये केस, और एक वो वाला केस जिसमें 150 वर्कर्स रोज लगे हुए रहते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन आप ऐसे करेंगे कि पहले मान लीजिए लेट वर्क कैन बी फिनिश्ड इन एन डेज, ओके। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो पहला केस है उसमें वर्कर्स पर डे फोर कम हो जाते हैं, है ना। तो यहां केस ये बनेगा बच्चों, व्हेन फोर वर्कर्स ड्रॉप्ड एवरी डे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे, पहले आप ये जान लीजिए क्या बनने वाला है। पहले दिन 150, दूसरे दिन 146, है ना भाई। पहले दिन वर्कर कितने होंगे, 150, दूसरे दिन 146, तीसरे दिन 142 हो जाएगा। इसी प्रकार से पर डे फोर वर्कर्स कम हो जाते हैं, तो हम पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे। क्या है बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं जो नंबर्स हैं वो एपी में हैं, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 150, जबकि कॉमन डिफरेंस माइनस फोर है, है ना। तो आप इन सभी का सम पता कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी से। तो पहले केस में नंबर ऑफ वर्कर्स जो होगा उसे हम Sn से पता करेंगे, जो कि हमने पता कर लिया बच्चों, यहां वैल्यू पुट कर दी हमने, ये हो जाएगा 300 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये माइनस 4n प्लस 4 n अपॉन 2 304 माइनस 4, इस 2 से डिवाइड कर दीजिए ब्रैकेट वाइज टर्म्स को, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 2n और इज इक्वल टू 150n माइनस 2n स्क्वायर। ये तो पहले केस का हुआ। दूसरा केस ये है बच्चों कि जब वर्कर्स जो है कम ना हो, मतलब पहले केस में 4 वर्कर्स कम हो जा रही थी, दूसरे वाले केस में वर्कर्स कम नहीं होंगे तो वर्क 8 डेज पहले ही फिनिश हो जाता है, ठीक। तो हमने कितने माने, हमने ये माना कि वर्क जो है एंड डेज में फिनिश होता है, तो जब वर्कर्स कम नहीं होंगे तो काम जो है एंड माइनस 8 डेज में ही फिनिश हो जाएगा, ओके। तो बच्चों यहां पर डे वर्कर्स कितने हैं, 150, जब कम नहीं हो तो 150 150 150, कितने डेज, एंड माइनस 8 डेज। तो हम पता कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने जाएंगे, 150 इंटू एन माइनस 8 कितना आ गया बच्चों, 150 माइनस 1200। अब दोनों ही केसेस में वर्क फिनिश हो जाता है ना, तो दोनों को इक्वल कर लीजिए भाई। पहले केस में इतने वर्क, दूसरे केस में इतने, दोनों इक्वल कर लिया आपने, ठीक। तो ये 2n स्क्वायर एन दीजिए, ये और ये लाइक टर्म है, तो 152 माइनस 152n, और इसे इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1200, फिर माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एन स्क्वायर माइनस एन और माइनस 600। अब 600 के ऐसे दो फैक्टर सोचें जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक। तो ये 25 और 24 होंगे, है ना। तो 25 में से 24 आप माइनस कर लेंगे, यहां रखेंगे 1 को रिप्लेस कर देंगे, जो एन का कोएफिशिएंट 1 है, यहां आप 25 माइनस 24 रखेंगे तो ये हो जाएगा। वैसे आपको ये मेथड आता होगा फैक्टराइज करने का, है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या जाचो, n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 25 और 24 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 25। तो यहां दो फैक्टर हो गए n में, क्या, n माइनस 25 और n प्लस 25। जब आप इसे इक्वल जीरो रखते हैं तो n इक्वल टू 24, जब इसे रखेंगे तो n इक्वल टू माइनस 24। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो नंबर ऑफ डेज होंगे 25, क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है।